चीखी चीखी। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं 11:15 एंड सुबह का वही सेम शेड्यूल। इस टाइम वॉक नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल भी लेट हो गई थी आज। लेट क्यों हो गए आज? सुबह देर से सुबह उठी हूँ, मतलब 8:05 के आसपास मैं उठती हूँ। और कुछ दिन पहले घड़ी रुक गई थी, तो मैंने रिंकू भैया से कहा टाइम सेट कर देना, उन्होंने एक्चुअल टाइम सेट कर दिया। और मैंने आज गोलू 9:45 स्कूल गया है। तो गाइस रेडी हो चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट कर लिया। आज ब्रेकफास्ट करा जा रहा था मेरे से, पता नहीं क्यों। पार्सल आया है, इसको करती है अनबॉक्स। हालांकि पता है गोलू की टी शर्ट से, लेकिन स्टिल अनबॉक्स तो करना ही है। 3 टी शर्ट्स हैं गाइस। गाइस बज रहे हैं अभी 3:15 एंड आज जो हमारी डांस क्लास का टाइमिंग है वो है 3 का, और मेरी किटी है 4:30 ऑनवर्ड्स। सबसे बड़ी बात, सुबह से सिर्फ बंदर वाल बना रहे हैं। घर में थोड़े से गेस्ट आ रहे थे, तो उसकी वजह से आज जो है डिनर में भी थोड़ा सा टाइम लगा। तो 1.5-2 घंटे तो किचन में लग गए मेरे को। फिर उसके बाद पटोला लेकर बैठी थी। पटोला बंदर वाल में बहुत टाइम, अपने आप इतना टाइम टेके ने पटोला बंदर वाल। हाँ कितने हो गया? तो गाइस गोलू की आई थी आज ये टी शर्ट, तो उसमें ये टी शर्ट आई न्यूपोर्ट की छोटी, तो मैं इसको अभी करवा रही हूँ एक्सचेंज। डन है टी शर्ट्स, टी शर्ट्स पड़ी हुई अभी मैंने सब ऐसी डाल दी हैं, एक्सचेंज होंगी। गोलू की काफ़ी छोटी हैं ये, आ रहा है ना ये। तो गाइस बज रहे हैं अभी 3:15, 3:15 ही एक्चुअली, इट्स 3:05। तो गाइस अभी बज रहे हैं 3:05 एंड 3:05 और रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली किटी तो बाद में जाना है, उसके पहले जाना है मुझे डांस प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ से डांस प्रैक्टिस के बाद सीधे ही किटी में पहुँचूँगी मैं। भाई बताओ, मैं भी अभी स्कूल से आया, फिर मैं 3:05 होना है, मैं जाने वाला हूँ मैं डांस क्लास। अब जाओ तो ट्यूशन जाओ। ट्यूशन जाऊँगा 3 से 4 ट्यूशन, 4 से 5, 4 से 7 डांस क्लास, फिर आऊँगा। चलो जाओ, तुम उठ लो, बाल काटो अपने, जाओ जल्दी जाओ। बोलो, अच्छी बात नहीं है ये। हाँ तो उठ लो, सॉक्स पहनो फटाफट। तो उठ लो फिर। सो गाइज अभी ना मैं मतलब आ चुकी किटी से, फ़ोन मेरा गोलू के पास था, क्योंकि गोलू का ना डांस चल रहा है इन दिनों, तो उसको प्रैक्टिस के लिए फ़ोन चाहिए थे। कैमरा गंदा हो रहा गोलू के पास फ़ोन होना मतलब कैमरे के रेड़ लगना। तो गाइज जस्ट आई हूँ, घर में गेस्ट आए थे, तो मैंने आज ना पनीर बनाया था और मलाई वाली शिमला मिर्च थी, गोभी आलू थे, रायता था और धनिया वाली कचौड़ी थी। तो ये मैंने, हालांकि मन नहीं था मेरा खाने, क्योंकि मैं किटी में से खा के आई थी। तो इस पनीर के साथ राइस मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मैंने नहीं खाया राइस, रात को खाने नहीं चाहिए। नहीं, कितनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए? वहाँ तो डाइट में थी ना वैसे भी। मैं भी डाइट पर हूँ बेबी, राइस नुकसान नहीं देंगे मेरे को। मम्मी राइस रात को ना पापा मना करते हैं खाना। पापा आने से भगवान करते हैं। तो वो वहाँ पे खाना खा रहे थे, तो मुझे राइस, मुझे कचौड़ी नहीं खानी थी, तो मैंने राइस खाया। तो गए किटी विटी का कुछ भी शूट नहीं पाया, फ़ोन गोलू के पास था, जस्ट आया मेरे पास फ़ोन, क्योंकि ये वहाँ पे फ़ोन भूल आया, तो अभी जाके हम इसको फोन लेकर आए। भाई बताओ, मैं 4 मतलब 1 बजे 3 बजे से ही मान लो, क्योंकि मैं 3 से 4 ट्यूशन गया, 4 से 8 मान लो, 7:45 मान लो, 7 बजे ले आए, 7:30-7:30। भाई बताओ, मैं तब तक मतलब मैं डांस करता रहा और मैं ट्यूशन पढ़ा था। भाई बताओ मैं कितना थक गया था। और फिर हम इसको लेने पहुंचे तो ये रोया, हमने यहाँ प्रैक्टिस कर ले तो उसका रोना, ठीक है अब जाओ। तो हम इसे लेकर आए, फिर हम इसे लेकर आए क्योंकि भाई मैं थक गया था। मम्मी ने कहा तुझे भूख भी लग रही थी तो चल ले। भाई मैं सच्ची में रो रहा था यार, मैं थक गया था मैं बहुत यार। भैया कह, मतलब जो डांस सिखाने वाले सर थे वो कह रहे रुक जाओ, कोई बात नहीं मैं खिला दूँगा। बट यार जो अपना खाने का होता है ना वो अलग सिस्टम होता है यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना तब भी। चलो अब मेरा तो खाना हो चुका है, क्योंकि मैंने जल्दी खा लिया था, मुझे बड़ी तेज़ वाली भूख लग रही थी। गैस तो गए और मेरी आँख में कुछ गिर गया यार, समझ नहीं आ रहा क्या गिर गया आँख में मेरी।
तो गैस गैस तो गए और अब मैं बैठती हूँ अपने जाकर क्राफ्ट एरिया में और खींच रही है मुझे बंदरवाल, क्योंकि पटोला बंदरवाल के कुछ ही कुछ नहीं, एक ही सैंपल तैयार हुआ। कुछ क्या हुआ, एक ही सैंपल हुआ है तैयार मेरा, दूसरा सैंपल कंप्लीट होने वाला है, सुबह से लगी हुई, लेकिन वही डिनर वगैरह में टाइम इतना लग गया था। तो मैं चलती हूँ भैया काम के तरफ। अभी तो मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि कल है मेरा कंपटीशन, तो इसलिए मैं अभी वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और यहाँ पे पापा देख रहे हैं तूने क्या करा है, मतलब मैंने अभी तक इतने दिनों तक मैंने क्या करा है, क्या मैंने सीखा है, बस ये देख रहे हैं इतनी देर से। तो इसलिए प्रैक्टिस करनी भी अच्छी होती है, क्योंकि भाई अगर अच्छा नहीं हुआ तो भाई अच्छी क्या कर रहा हूँ। मैं अभी डेढ़ एंड जस्ट आई हूँ, सब कुछ छोड़ के क्यों आए, मतलब ये था कि भाई क्या लग गया है, क्या कहते हैं, सो ग्रैंड लग गया है, तो ग्रैंड लग गया है तो उसमें कुछ काम धाम नहीं करते, कुछ ऐसा है। तो सो जैसे फिर मैं अभी अदरवाइज़ मैं अभी थोड़ा सा काम और खींचती। तो गाइस आज के सिर्फ इतना ही, टिल दैट टेक केयर, डू मोर शेयर, डू मोर लाइक्स, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, मिलते गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।